नमस्कार सभी को। नव भारती परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आज की संस्कृत क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है उपसर्ग। आज हम उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो उपसर्ग शब्द हैं यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उपसर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है रचना करना अथवा सृष्टि करना। समीप रचना करना, शब्दों के समीप जाकर नए शब्दों की रचना करना क्या कहलाता है? उपसर्ग। यह हमने उपसर्ग शब्द से अर्थ समझा। अब आइए हम उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। आइए, वे शब्दांश जो किसी धातु अथवा शब्द से पहले जुड़कर उन शब्द और धातु के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। एक बार वापस देखिए, वे शब्दांश जो किसी धातु अथवा शब्द से पहले जुड़कर उन शब्द और धातु के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग। इस परिभाषा को सरल रूप में देखने के लिए हमने इसमें से कुछ मूल बातें निकाली हैं, वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर है शब्दांश। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द का अंश। इससे तात्पर्य है कि यह मूल शब्द नहीं होते, यह स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं होते। जिस प्रकार मैंने यहाँ पर एक उपसर्ग लिखा प्र, तो यह केवल प्र के रूप में कहीं पर भी प्रयोग नहीं होगा। इसके साथ कोई ना कोई शब्द जोड़ना पड़ेगा जब जाकर यह उपसर्ग अर्थयुक्त होगा। जैसे यहाँ पर एक शब्द जोड़ा योग, यह हुआ हमारा प्रयोग। तो जब बनेगा प्रयोग। अब इस उपसर्ग का अर्थ निकलेगा योग के साथ। यदि यह उपसर्ग अपनी मूल अवस्था में है तो यह कहीं पर भी प्रयुक्त नहीं होगा। इसके लिए किसी शब्द या धातु के पहले प्रयुक्त करना होगा। दूसरी बात हमने यहाँ पर देखी थी कि उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होते हैं? धातु अथवा शब्द से पहले प्रयुक्त होते हैं। यह हमारा शब्द था योग। योग शब्द से पहले हमने प्रयुक्त किया प्र उपसर्ग। तो यही बात यहाँ पर बोली गई थी कि धातु अथवा शब्द से पहले प्रयुक्त हो। तो यह हमारा शब्द था, उसे पहले प्रयुक्त किया, जब जाकर क्या बना? प्रयोग है। तीसरी बात हमने देखी कि शब्दों के अर्थ में परिवर्तन, यह क्या करते हैं? शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। योग, योग शब्द का सामान्य अर्थ होता है जोड़ना या जुड़ना। अब हम इसके आगे यदि प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो प्र उपसर्ग लगाने के बाद यह बना प्रयोग। तो योग शब्द का पहले तो अर्थ हो रहा था जोड़ना जुड़ना, जब प्र उपसर्ग जोड़ दिया इसने योग शब्द में, जब इसका अर्थ निकलेगा प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना। तो शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हुआ। तो हमने तीनों
परिभाषा इसकी समझिए कि उपसर्ग क्या होते हैं। शब्दांश उपसर्ग धातु अथवा शब्द से पहले प्रयुक्त होते हैं, शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग। आशा करता हूँ सभी को उपसर्ग की परिभाषा समझ आई होगी। आगे हम देखते हैं कि उपसर्ग कितने होते हैं और संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई है, आइए देखते हैं। संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या 22 अथवा द्वाविंशति, संस्कृत में कहे तो द्वाविंशति कितने होते हैं? 22। संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या 22 होती है, यह निश्चित है। हिंदी, अरबी, फारसी, इन सभी भाषाओं में उपसर्ग होते हैं, पर उनकी संख्या का हम निर्धारण नहीं कर सकते, पर संस्कृत भाषा में निश्चित है कि उपसर्ग कितने होते हैं? 22। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अति, अपि, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग संस्कृत भाषा में माने जाते हैं। एक बार वापस देख लीजिए। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अति, अपि, सो, उद, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग होते हैं। उद उपसर्ग को उत भी कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत में नियम के अनुसार के स्थान पर कहीं जगह तीसरा वर्ण द प्रयोग में आया जाता है, जैसे उद्वेग। उद्वेग तो यहां पर उत को उद हो गया और कहीं जगह इस प्रकार लिखा जाता है उत्तिष्ठति, वहां पर उत का उत रहता है और कहीं जगह उत को उद लिख दिया जाता है। तो यह आप यहां से समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं हम और इन उपसर्गों का अर्थ और इनके उदाहरणों को समझते हैं। यहां पर देखिए उपसर्ग, उनका अर्थ और उदाहरण यहाँ पर दे रखा है। एक एक को समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमने उपसर्ग लिया था प्र। प्र उपसर्ग, इसका अर्थ होता है विशेष, अधिक, किसी चीज को अधिक व्यक्त करने के लिए, अधिकता बताने के लिए प्र उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, और विशेष बात बताने के लिए, जैसे गति शब्द था उसके आगे प्र उपसर्ग लगाया तो वह क्या बन गया? प्रगति। गति सामान्य गति, और प्र लगा दिया तो प्रगति की अच्छी गति कर रहा है वह प्रगति। प्रख्यात है, ख्यात
उपसर्ग लगाया क्या बन गया? प्रख्यात। दूसरा उपसर्ग है परा, इसका अर्थ होता है विपरीत, अपोजिट, पराजय। जय शब्द जीतना, परा उपसर्ग लगा दिया हारना, पराजय विपरीत हुआ, पराजय पराक्रमति। यहां पर भी परा उपसर्ग लगाया। तीसरा उपसर्ग था अप, इसका अर्थ होता है बुरा, हीनता, हीनता कमी और बुरा, अपमान। मान का सामान्य अर्थ होता है सम्मान करना, अपमान। अप उपसर्ग लगा दिया तो बुरा अपमान, अपोजिट हो गया कि अपमान करना, शब्द कुछ कहना, अप लगा दिया अप शब्द। अगला उपसर्ग है सम, इसका अर्थ होता है अच्छा अथवा संपूर्ण। इसके उदाहरण है संकल्प, संग्रह, संपूर्ण, संपूर्णता, संग्रह करना, संकल्प कुछ अच्छा संकल्प लेना। तो अच्छे के रूप में, अच्छे के अर्थ के रूप में संकल्प प्रयुक्त हुआ है। और भी काफी उदाहरण है। अगला उपसर्ग हम देखते हैं अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, अनुज, अनुज यहां पर लिया हमने। अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई, अनुज छोटे के लिए प्रयुक्त किया जाता है और अग्रज बड़े के लिए। तो यहां पर अनु लगा दिया तो पीछे वाला, बड़े से छोटा। अनुवाद, वाद कहना, फिर उसके आगे लगाया अनु, अनुवाद। अगला उपसर्ग है अव, इसका अर्थ होता है हीनता, पतन, कमी और पतन का भी सामान्य अर्थ होता है कि विनाश होना, अवनति। अव उपसर्ग यहां पर लगाया। उन्नति, दो शब्द होते हैं, एक होता है उन्नति और उसका अपोजिट होता है अवनति। उन्नति का प्रोग्रेस करना, उन्नति करना, अवनति का अर्थ होता है अवनति करना, कमी होना। अवशेष, अव लगा दिया उपसर्ग तो इसका मतलब हो गया कुछ बचा हुआ, पतन। अगला उपसर्ग है निस, निस उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध। यहां पर निश्चय, नि उपसर्ग लगा दिया, निस उपसर्ग होता है कुछ कुछ जगह स को टाले हुए स हो जाता है और कुछ कुछ जगह स को मूर्धन्य स हो जाता है। उसका नियम आपको मैं बताऊंगा कि जिस प्रकार क से पहले कैसे पूर्व में आधा स प्रयुक्त करते हैं तो स को क्या हो जाता है, मूर्धन्य स। यदि च से पहले हम इस स को प्रयुक्त करते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, इसमें यहां पर च था, च से पहले स था निस उपसर्ग का स, उसको क्या हो गया स। तो निश्चय, निस तेज, तेज का अर्थ होता है प्रकाश। निस उपसर्ग लगा दिया तो निषेध, प्रकाश का अभाव। आगे देखते हैं अगले उपसर्ग। निर, निर उपसर्ग का अर्थ भी निषेध में होता है। इसके उदाहरण देखते हैं निर्भय,
निरुपसर्ग था, निरुपसर्ग था और भय शब्द, भय का अर्थ होता है डरना, निरुपसर्ग लगा दिया तो निर्भय, नहीं डरना, निर्जीव, जीव जिसमें कुछ जीव का अवशेष हो और निर्जीव जीव नहीं हो, दुष, दुष उपसर्ग का अर्थ होता है कठिन, बुरा, दुष्कर्म, कर्म अच्छा कर्म, सुकर्म, अगर यहाँ पर दुष उपसर्ग लगा दिया तो यह क्या हो जाएगा, दुष्कर्म। मैंने आपको बताया था यदि क से पहले स प्रयुक्त हो आधा तो वहां पर कौन सा स हो जाता है, मूर्धन्य। दुष्कर्म, दुष्चरित्रम, चरित्रम शब्द था, दुष उपसर्ग लगा दिया, यहाँ पे च से पहले स था तो यहाँ पर तालव्य में स हो गया, क्या बन गया, दुष्चरित्रम। अगला उपसर्ग है दुर, कठिन बुरा, दोनों का अर्थ समान होता है, कठिन बुरा, कठिन बुरा। दुर्जन, जन्मे, दुर उपसर्ग लगाया, दुर्जन। दुर्गम, दुर्गम, गम, जाना, यदि यहाँ पे दुर उपसर्ग लगाया तो दुर्गम, कठिन, कठिन, और यदि सु लगा दे तो सुगम। दुर्गम का अर्थ कठिन। अगला उपसर्ग है वी, वी का अर्थ होता है विशिष्ट, किसी चीज में विशिष्टता बताने के लिए वी उपसर्ग। जय, जय का अर्थ सामान्य होता है जीतना, यदि यहाँ पर वी उपसर्ग लगा दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा जीतना, पर अच्छी प्रकार से विशिष्टता बताने के लिए विजय। वियोग, योग शब्द, वी उपसर्ग लगाया, वियोग, बिछुड़ना। आंग उपसर्ग, आंग उपसर्ग का आशेष रहता है, ङ का लोप हो जाता है, इसका अर्थ होता है सीमा, विपरीत। सीमा का तात्पर्य है कि किसी निश्चित सीमा, विपरीत, अपोजिट। यहाँ पर लिखा हमने आगमनम, गमनम शब्द था, आग उपसर्ग लगाया, आंग का आशेष था आगमनम। गमनम का अर्थ होता है जाना, आ उपसर्ग लगा दिया आगमनम, आना। आगच्छति, गच्छति धातु थी, आ उपसर्ग लगाया आगच्छति, गच्छति जाना और विपरीत क्या हुआ, आगच्छति। अगला उपसर्ग है नि, नि उपसर्ग का अर्थ भी निषेध होता है, वास के आगे लगाया, नि उपसर्ग निवास है, निबंध है। बंद, बंद, कोई बंधित होना, बांधना, यदि नि उपसर्ग लगा दिया निबंध। अधि, अधि उपसर्ग का अर्थ प्रधानता बताने के लिए किया जाता है, अधिकार, अधि उपसर्ग लगाया, कार शब्द था अधिकार, किसी का आधिपत्य होना, अधिवक्ता, वक्ता, अधि उपसर्ग लगाया अधिवक्ता। अगला उपसर्ग है अति, इसका अर्थ होता है अधिक, किसी चीज में अधिकता बताने के लिए। अत्याचार, अति उपसर्ग था आचार, आचार है शब्द का अर्थ होता है आचरण करना, और अति, अति उपसर्ग लगाया, यहाँ पर यण संधि होकर ई को यह हो जाता है तो अत्याचार है बन जाता है, अत्याचार है,
इस शब्द का अर्थ होता है कि अधिक आचरण करना, अति सार है। सार का अर्थ होता है सामान्य प्रसार करना या प्रसारित करना, अति उपसर्ग लगा दिया, अति सार है, अधिकता। अगला उपसर्ग है अपि, इसका अर्थ होता है और भी। इसके उदाहरण देखते हैं, अपितु, तो वो शब्द था, अपि उपसर्ग लगाया, अपितु तो बन गया। अपिधानम, धानम शब्द होता है, अपि उपसर्ग लगाने के बाद अपिधानम बन जाता है। अगला उपसर्ग है सो, सो का प्रयोग करते हैं हम अच्छा सुंदर अर्थ दर्शाने के लिए। सो विचार, विचार शब्द होता है, सो विचार, सो उपसर्ग लगा दिया तो अच्छे विचार, सो गम है, गम, सो उपसर्ग लगाने पर सुगम, सरल, और दुर्गम कठिन, दुरुपसर्ग लगाने के बाद उत, मैंने वहां पर समझाया था उत उपसर्ग को कहीं कहीं जगह उत भी लिखा जाता है। इसका अर्थ होता है ऊपर, ऊंचा। इसके हमने यहाँ पर शब्द लिख रखा है उत्तिष्ठति। तिष्ठति, तिष्ठति धातु थी, उत उपसर्ग लगाया, तिष्ठति, उत्तिष्ठति उठना। उत्कीर्णम, कीर्णम शब्द था, उत उपसर्ग लगाया, उत्कीर्णम, गड़ा हुआ। इसका अर्थ होता है, अगला उपसर्ग है हमारा अभी। अभी उपसर्ग का प्रयोग हम पास के लिए या सामने वाले के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके उदाहरण है अभिवादनम, अभिमानम, वादनम, इसके आगे अभी उपसर्ग लगाया, अभिवादनम, अभिवादन करना, अभिमानम, मानम शब्द के आगे अभी उपसर्ग लगाने पर हमारा बना अभिमानम। प्रति, उपसर्ग का प्रयोग हम प्रत्येक या विपरीत दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। दिनम शब्द था, प्रति उपसर्ग लगाया, यह बन गया प्रतिदिनम, अथवा प्रत्येक, प्रतिदिनम दिन, एक दिन के लिए प्रतिदिनम, प्रत्येक दिन के लिए। प्रतिनिधि, निधि शब्द था, प्रति उपसर्ग लगाया, प्रतिनिधि। अगला उपसर्ग है परि, इसका अर्थ चारों ओर। उदाहरण देखते हैं, परिवार, परिवार, वार शब्द, परि उपसर्ग लगाया, परिवार है। परिचलति, चलति धातु थी, चल धातु का रूप होता है चलति, परि उपसर्ग लगाया, परिचलति, चारों ओर चलता है। उप उपसर्ग, इसका अर्थ समीपता को दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, उपगच्छति, गम धातु, गच्छति क्रियापद में उप उपसर्ग लगाया, उपगच्छति, गच्छति का सामान्य अर्थ होता है जाना, उप लगा दिया, समीप जाना, यह इसका अर्थ हुआ। उपकार, उप उपसर्ग लगाया, कार शब्द में बन गया उपकार, उपकार करना। इस प्रकार हमारे 22 उपसर्ग समाप्त हुए। आशा करता हूँ आप सभी को उपसर्ग समझ में आए होंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी को।